हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाले हैं। इसे आप दो और तीन नंबर के काना को पहना पाएंगे। अगर आप इसकी चोली थोड़ी सी पतली बनाते हैं तो इसे आप एक नंबर को भी पहना लेंगे। तो देखिए, ये तीन नंबर को पहना के दिखा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ये सभी कान्हा जी लोग की ना पूजा करती हूँ मैं, ना ही इन्हें सेल करूँगी। सिर्फ मैंने इन्हें वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ है। ऐसे वुडन के ऊपर बिठा देती हूँ तो आप लोग कमेंट करते हैं, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि क्लियर कर दूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी ये ड्रेस आई है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। यहाँ पर इनके हाथ रखने की वजह से हल्का से यहाँ से दब रही है, बाकी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है। तो इसे आप दो और तीन नंबर को पहना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मैरून कलर का नेट लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बताऊं तो मैंने रखी है 5.5 इंच और लंबाई है हमारी 45 इंच। हम इसे ऐसे फ्रंट से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद देखें एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए घनी प्लेट बनाएंगे, ये इस तरह से। ये देखिए कितनी घनी हमारी प्लेट बन रही है। ये मैंने पूरा 1-1 इंच चौड़ी प्लेट बनाई है और पूरा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हमें बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम रखेंगे और रखने के बाद इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई, जो ही लास्ट प्लेट स्टिच होगी सुई हमारी अंदर जाएगी, फिर से हम इसे पीछे से उठाएंगे और फिर अपना चौड़ी चौड़ी ही प्लेट बनानी है। इस स्टिच का आपको ध्यान देना है। ये देखें ऐसे ही हम चौड़ी चौड़ी घनी प्लेट बनाएंगे। बहुत ईजी तरीका आपको बता रही हूँ ड्रेस बनाने का, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने बना दी 5-6 प्लेट। इस पर अपनी ऐसे चार उंगली रखूंगी और यहाँ पे हम इसे सिल देंगे। ये हमने सिल दिया, जो ही लास्ट प्लेट स्टिच होगी सुई हमारी अंदर जाएगी। जब अंदर जाएगी और पीछे से आप उठा के इसे खींचेंगे तो देखिए निकलता नहीं है। अब फिर से हम यहाँ पे इस तरह से अपनी फ्रिल बनाएंगे। ऐसे ही करके हमें यहाँ अपने पूरे फैब्रिक से फ्रिल बना लेनी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आपको ड्रेस बनाने का। ये देखिए, हमने यहाँ पे प्लेट बना दी है। प्लेट बनाने के बाद हम इस तरह से प्लेट्स को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद ये देखें यहाँ नीचे से हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये इकट्ठी है प्लेट, ऐसे मैंने इस पर 5 उंगली रखी हुई है और यहाँ नीचे की साइड से इस पर एक प्लेन सीधी सी सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे सेंटर में भी। ये देखें, आप चाहें तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, पतली पतली ही हमारी स्ट्रिप निकल के आएगी। चलिए 2 लगाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारा आसानी से आ गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये नीचे जो हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है इसे हम कट करके बराबर करते हैं। ये देखिए, बहुत इजी है गाइस, बहुत आसानी से और बहुत झटपट से बनेगी। ऐसे फ्रिल बनाएंगे आप तो। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ ऊपर से हमें कट करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। नीचे से कट करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा। ये इधर से हमने कट कर लिया, इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी फ्रिल सब अलग अलग कितने अच्छे से आ गई है और इसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे, ये इस तरह से। ये हो गई है सारी फ्रिल। अब हमें क्या करना है, सभी फ्रिल को एक दूसरे के ऊपर रख के सिल लेना है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई लगा देंगे तो ऐसे ज्वाइंट करके ये हमारी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे सभी को ज्वाइंट कर देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमारी यहाँ पे फ्रिल जो है वो बन गई है। अब मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ले लिया है। ये देखिए, मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह का है हमारा प्योर, ये जो है अस्तर का फैब्रिक है, एकदम कॉटन का होता है प्योर। ये देखिए 17.5 इंच इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच के करीब में है। ये मैंने इसके साथ गोटा पट्टी वाला फैब्रिक लिया है। अगर आपको गोटा पट्टी वाला फैब्रिक परचेज करना है, आपको आपके लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। आप मुझे 7237862439 7786 24 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखेंगे
पहले आप यहाँ ऐसे मोड़ लीजिए एक बार। एक बार मोड़ने के बाद तब इसे हम रखेंगे और इस पर हम इसे सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ। लास्ट में भी अपना येलो वाला फैब्रिक आप मोड़ लीजिएगा। ये हमने सिल दिया। अब हमने यहाँ पे ये अस्तर को लिया। अस्तर को हम फ्रंट की साइड में इस तरह से थोड़ा सा मोड़ेंगे और सिल देंगे, और जब लास्ट में आएंगे तो भी हम इसे मोड़ लेंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब सिलने के बाद हम इसे पलट लेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से ऐसे ये हमने पलट दिया। पलटने के बाद हमें देखिए कैसे सिलाई लगानी है। ये हमने हाफ इंच अंतर मोड़ा ही है, इधर से भी मोड़ा है। यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए यहाँ पे नीचे की साइड भी लगानी है और इधर की साइड भी हमें लगानी है। ये देखिए दोनों साइड से हमारा अंदर की तरफ हाफ हाफ इंच मोड़ा हुआ है। चलिए सिलती हूँ मैं इसे। ये देखिए हमने सिल दिया। सिलने के बाद हम उल्टा करेंगे और अस्तर के बराबर में सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके हटा देना है। चलिए सिलती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये मल्टी कलर में लेस ली हुई है, इसे मैं अटैच करूंगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो लेस लगाएं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये हमें इस तरह से लेस को लगा लेना है, ये ऐसे करके, ये देखिए, जिससे हमारे यह बीच वाला हिस्सा कवर अप हो जाएगा। चलिए सिल देती हूँ। ये देखिए ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे प्लेट बनाएंगे, ये इस तरह से करके थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी और दूर दूर प्लेट बनानी है, पास पास बिल्कुल भी ना रहे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब मैं आपको इसका नेफा मेजर करके दिखाती हूँ कि कितने इंच है। हमने लंबाई रखी है, लंबाई हमारी थोड़ी सी ज्यादा है, बट अभी हम जब नेफा लगाएंगे तो ये हमारी अटैच हो जाएगी। अभी तो ये हमारी 5.5 इंच है। हम इसे उल्टा करेंगे और नेफे के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई का ये फैब्रिक लिया है नेट का। हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे रख के एकदम सिंपल सीधा सा सिलना है हमें। सिलाई अपने स्टार्टिंग में लॉक जरूर करिएगा। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए सिल दिया। सिलने के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी का कट कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ना है ऊपर से और फिर हम यहाँ पे अपनी डोरी डालेंगे। डोरी डालने के बाद हम इसे पलट के और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अपनी सिलाई को लॉक जरूर करिए और दूसरी चीज डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारा हो गया। अभी हम इस पे लेस अटैच करेंगे, बट उसके पहले हम चोली रेडी कर लेते हैं। तो चोली में देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा हमारा अभी नेट का फैब्रिक यहाँ फ्रिल में से कट के निकला था उसे भी मैंने जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो हमारी आई है 8 इंच। हम क्या करेंगे, अपनी ये लेस अटैच करेंगे इस पे। तो नॉर्मल एकदम सिंपल सा रख के हमें इस तरह से और सिल लेना है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे रख के और सिलूंगी। सिलने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा आएगा उसे हम कट कर देंगे नेट के फैब्रिक को। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमने सिल दिया है। अब सिलने के बाद यहां से जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये इसकी जो सीधी साइड पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसे ही मैं कट करके हटा रही हूँ। ये देखिए लेस पे मैंने थोड़ा सा हट के सिलाई लगाई है, एकदम किनारे से नहीं लगाई है, इसीलिए कैची मेरी देखिए अंदर तक जा रही है और पूरा कट कर दे रही है। ये इस तरह से फिनिशिंग भी हमारी आ गई अच्छी और इजी भी था सिलना, बहुत आसानी से हो गया। हम इसे यहाँ पे इस तरह से ऐसे गोल करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ सेंटर में रख के सिलना है, और मैंने यहाँ पे ये गोटा पट्टी वाली लेस ली है तो इस लेस को भी यहाँ पे ऐसे रख के स्टिच कर देंगे। तो लेस के साथ साथ ही जब हम लेस स्टिच करेंगे तो चोली भी सेंटर में रख लेंगे, तो साथ ही साथ हमारी चोली भी स्टिच हो जाएगी। चलिए सिल लेती हूँ।
ये देखिए इतना काम हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट लगाएंगे इस तरह से। देखिए हम नॉट लगा देंगे कमर पे अपने, और नीचे से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे ये इस तरह से, यहाँ पे ऐसे रख के। और सिल लेना है, सिर्फ इतनी ही दूर हम सिलेंगे जितनी दूर हमें लेस दिख रही है, बस इसे हमें अटैच कर देना है। चलिए सिल लेती हूँ। ये देखिए हमारी ड्रेस जो है वो रेडी हो गई है। ये ड्रेस आप 2 और 3 नंबर के कान्हा को पहना पाएंगे। चलिए पहना के दिखाते। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 3 नंबर को पहना दी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको इसे मैंने बनाना बताया है। सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं। आप इसे 2 और 3 दोनों साइज को पहना पाएंगे। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो जाके चेक कर लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइज, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।